Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको roof बनाना बताऊंगा कि छत कैसे बनाया जाता है 3D के अंदर। Then उसके आगे मैं उसकी आपको छत की जो sheds होते हैं, आजकल जो sheds बने होते हैं, कॉर्नर्स भी या बॉर्डर्स वगैरह जिनको आप कहें, शेड्स वगैरह होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनाए जाते हैं। और उसके बाद उन शेड्स के ऊपर मैं आपको रेलिंग बताऊंगा, अगर आपको कोई ग्रिल या रेलिंग्स वगैरह लगानी है तो उनका क्या मेथड होता है, क्या तरीकेकार होगा। तो इस लेसन के अंदर हम ये चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैं अपने पास AutoCAD को ओपन कर लेता हूँ। मेरा AutoCAD ओपन हो चुका है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें आपके पास यहां तक अभी तक हम लोग पहुंच आए हैं। कंट्रोल एस मैंने किया, मैं सेव कर देता हूं अपने काम को। अब मेरे पास ये जो लाइन है, ये जो मेरे पास लाइन निकली हुई है, मेरे पास छत की लाइन निकली हुई है बाहर, क्योंकि ये जब आप मैप बनाते हो, मैप बनाने के फौरन बाद ये आपको चीज क्रिएट करनी होती है, शेप बनानी होती है। आई मैं आपको यहां पर एक मरतबा फिर बता दूं इसका मेथड बनाने का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि अब इधर ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो इसलिए मैं आपको कॉपी करके मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने ये कैसे बनाना है अगर आपके माइंड में नहीं है। मैं ये तमाम से एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो डिलीट कर देता हूं। परफेक्ट, ठीक है। और ये मैं तमाम लाइनें यहां से डिलीट कर देता हूं, जो कि मेरा मकसद है आपको बताना कि अगर हम लोग जो शेड बनाते हैं, जो हमारे पास रूफ होता है, ये कैसे बनाया जाता है, कैस के कानून आपको फॉलो करने हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यही नहीं है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं आप ये ना समझेगा सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करें, एक्स्ट्रा लॉजिकली काम करें, तो फिर आप उस चीज को ठीक तरह से बखूबी समझ पाएंगे। तो जब तक आप एक्स्ट्रा लॉजिकली उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, कोई एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं बस सेम टू सेम यही है। नहीं, ये चीजें आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती है आगे जाके, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने कर दिया और मैं टॉप व्यू के ऊपर चला गया। सॉरी, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको ऑफसेट्स डिफाइन कर देने। क्यों? मुझे यहां से ये बाहर बाहर चाहिए छत मेरा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल इक्वल चाहिए तो बिल्कुल आप इक्वल इसकी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑफसेट देना चाहूंगा हर तरफ से 1 फुट और 6 इंच का। मैंने बोला 1 फिट एंड 6 इंच, मैंने एंटर कर दिया। अब आप इसको हर तरफ से 1 6 1 6 1 6, देखिए मैं एक एक लाइन उठा रहा हूं क्योंकि मेरे पास फिलेट की ऑप्शन मौजूद है, मेरे पास शेफर की ऑप्शन मौजूद है, एक्सटेंड की ऑप्शन मौजूद है, जिसके थ्रू मैं लाइनों को आपस में गेन मिला सकता हूं। तो देखें ये है, हर तरफ से आप इसको 18 18 इंच उठाकर बाहर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ठीक, परफेक्ट, नाइस, गुड। ये मैंने उठाया इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, ये मैंने इसको दे दिया। कंट्रोल एस कर दें, अब स्टार्ट करते हैं काम। आप फिलेट पे जाएंगे, इसको इसके साथ क्लिक कर दें, इसका क्लिक इसके साथ दें, इसका क्लिक इसके साथ दे दें, क्योंकि फिलेट आपका 0 का होना चाहिए। याद रखिएगा फिलेट 1 और 2, क्योंकि आप फिलेट उठाएंगे, फिलेट के ऊपर जाएं। देखिए मैं वापस फिलेट के ऊपर गया, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, अब अगेन फिलेट, यानी कि स्पेस लगा दें, बस वापस आप स्पेस लगा दें, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें। सिर्फ आपने इस पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा, ये पॉइंट आपके पास बिल्कुल परफेक्ट ड्रा होते जाए। देखिए वापस मैं स्पेस लगा देता हूँ इस शेप को इसके साथ, तो इस तरह से। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट आगे भी लेकर आ सकते हो, आई थिंक ये आगे लाना बेटर वन, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। इसको इधर कंट्रोल एस, फिलेट एक क्लिक इधर, दूसरा इधर, फिर फिलेट इधर और इधर, क्लिक क्लिक, फिलेट 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 और ये फिलेट, ये रहा फिलेट। तो देखा आपके पास मुकम्मल ये बना हुआ आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और यहां पे मैंने ऑलरेडी ये शेप बनाई हुई आपके पास बिल्कुल परफेक्ट। वापस आप इधर चल जाएं 3D के अंदर, आपके पास ये शेप आ चुकी है, ठीक है। अब आपको ये इस शेप को उठाना है, तो उसको मैं कैसे उठाऊंगा, क्या कुछ कर ले, तो वापस मैं टॉप के ऊपर चला जाता हूँ यहाँ से ही मैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्टाइल अपना चेंज करना चाहूंगा उसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये नहीं कि
हटकर काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट काम बता रहा हूँ, लेकिन लेकिन अगर प्रैक्टिकली भी आपके पास ये चीज़ आ जाए तो उसको आप, यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ डिज़ाइन हो तो उसको आप प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने पास एक और इस शेप को उठा कर दे, बल्कि मैं इसको मिरर MI, मैं ये जो इसका नीचे बीम है सेम टू सेम इधर भी लेना चाह रहा था, MI ये मैं इसको इधर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसके मिडिल पे चला गया हूँ, एक लाइन लेता हूँ, ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया 6 फिट लेफ्ट 6 राइट 6, इसका मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ, और मैं एक पॉइंट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं आगे की जानब दे देता हूँ नियर अबाउट 6 इंच, आगे भी 6 अगेन 6 एंड 6, मैंने इसको मिरर कर दिया है मिडल से, और ये मेरे पास मिरर मिडल हो चुका है। इसको मैंने ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम, और ये मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। देखिए एक लाइन उठा लें आप, हल्के आप सिंपल आर्क उठा लें, वन क्लिक, दूसरा क्लिक, और ये तीसरा क्लिक। तो ये जस्ट मैंने जो डिजाइन किया है आपको बताना का मेरा मकसद था, मैं आपको बताना चाह रहा था अगर आप यहाँ पे, तो आप इस तरह से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अगर आप और भी कई डिजाइन चेंज करना चाहें सेम यही मेथड होगा। अब मैं कॉपी की ऑप्शन लगाऊंगा CO, और मैं मुख्तलिफ एरियाज पे क्लिक कर देता हूँ, जो बॉर्डर्स मेरे पास बाहर निकले हुए हैं, जो मेरे पास छत की लाइनें हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई कैसे ड्रॉ की जाती हैं, इन तमाम लाइनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास वन बाय वन वन बाय वन, एक एक करके मैं इनको अपने पास कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेक श्योर हर एक लाइन क्लिक हो जाए। अब आप इसको जस्ट उठाकर बाहर आ जाए, ये यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया, मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, वापस मुझे वापस 3D की पर चला जाना है, ये मेरा चला गया, और जस्ट एक लेयर बना लेता हूँ LA, कीबोर्ड से इंटर करें, अदरवाइज आप लेयर मैनेज की पर क्लिक कर दें यहाँ पे, और एक लेयर बना दें, लेयर के मैं इसको रूफ का ही नाम दे देता हूँ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे B और बाउंड्री का चूज किया, बाउंड्री पे जाऊंगा, बाउंड्री के लिए आपको ड्रॉ के अंदर जाके बाउंड्री के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, या BO कीबोर्ड से शॉर्टकट लगा सकते हैं, बाउंड्री के ऊपर क्लिक करें और मिडिल पे क्लिक करके आप इसको इंटर कर दें। और जैसे मैंने इसको इंटर किया, कंट्रोल एस कर दें, तो देखिए आपके पास ये शेप बन गई है, क्लिक करें तो ये आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको EXT आप क्लिक करें, एंटर करें, अब आप इसको 6 इंच की थिकनेस यानी कि हाइट दे दें, कंट्रोल एस कर दें, देखिए आपका छत बन चुका है, बिल्कुल रेडी है। लेकिन कोशिश या लाजमी जो चीज़ है वो ये लाइन आपसे डिलीट ना हो मैप्स वाली, ठीक है। बेहतर ये है मैप को आप लॉक करके रखें, ये आपसे डिलीट ना हो पाए, याद रखिएगा। क्यों, अब ये डिलीट नहीं हो रही है, मेरे पास यही वही लाइनें हैं, मैं जब इसको मूव कर देता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ रूफ के अंदर। अब मैं इसको एक पॉइंट से पिक करूंगा, और वही पॉइंट में इसको यहां पे जाकर क्लिक कर देता हूँ। देखिए इसकी कॉपी पीछे रहनी चाहिए, मेरे पास ये कॉपी आ चुकी है, कंट्रोल एस। और अब आप क्या करें, इसको मूव के ऑप्शन लगाएंगे, यानी कि आप मूव पे क्लिक करें, आप इसको सेलेक्ट करें और एंटर करें, एक पॉइंट दे दें, मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया। अब फार्मूला लगाएं, शिफ्ट एट द रेट एक्स, यानी कि पहली वैल्यू 0 डालें, फिर कॉमा, अगेन वाई की वैल्यू को भी 0 कर दें, अगेन कॉमा, देन 10 फिट्स एंड 6 इंच जो आपके पास हाइट बनती है आपके छत की, वो इसे दे दें। देखिए आपके पास बिल्कुल परफेक्ट हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। ये दूंगा एक स्टेप, ठीक है। अब वापस आप इधर आ जाएंगे, अगेन इसको आप देखें, आपके पास यहां पर एक और बाउंड्री आपको ड्रॉ कर देनी है, BO पिक, मैंने बाउंड्री ड्रॉ कर दी BO, कंट्रोल एस, और इसको मैं अगेन मूव करके इधर ले आता हूँ साइड पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक शेड बनाने जा रहा हूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया यानी कि एक रेक्टेंगल ले लिया, एक पॉइंट दे दिया, दूसरा शिफ्ट एट द रेट, मुझको 18 इंच एक तरफ से चाहिए, यानी कि 1 फिट एक तरफ से, दो फिर 1 फिट और 6 इंच एक तरफ से, दोनों तरफ से 18 18 इंच का मुझे बॉक्स बना लिया। सेलेक्ट करें और इसको आप एक्स लोड के ऊपर आप क्लिक कर डालें, नहीं तो एक्स एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। अब आप इसको ऑफसेट्स के ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास ऑफसेट्स के ऑप्शन ये पर है, नहीं तो आप ओ प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। मैं इसको 3 दे देता हूँ, 3 इंच 3, 2 2 टाइम 3 3। अब ये डिजाइन अगर आपने एलिवेशन के लेक्चर उठाए हैं तो आपको लाजमी बनाना आता होगा, आप पॉलीलाइन या PL एंटर कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से।
1, 2, 3, 4, 5 के बाद मुझको ए आर्क इंटर कर देनी है क्योंकि मैं आर्क को एक्टिव करना चाह रहा हूं। ए एंटर कर दें, मैंने ए एंटर किया, मेरे पास ये आ गया। अगेन एल एंटर करता हूं लाइन के लिए, 6, 7, 8, 9 और ये आ जाए और सी से क्लोज कर दें, कंट्रोल एस। अब मैंने इसे करना है इस शेप को, मैं अगर मैं इसको मूव कर लूं, मूव सेलेक्ट, देखिए मेरे पास ये, मैं इसको मुझे इसको 90 पे लेके जाना है, मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D का आप यूज करेंगे, सिलेक्शन एंटर कर देंगे आप, एक पॉइंट रहा और ये दूसरा पॉइंट दे दें और सिंपल 90 एंटर करते हैं। ठीक है, आपके पास ये 90 पर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको मूव करेंगे, मैंने इसको मूव किया, अब इसकी शेप बाहर की तरफ है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इधर बाहर की तरफ जानब क्लिक कर देंगे कहीं भी। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दें क्योंकि इसकी शेप इधर है, बाहर की जानब है और बिल्कुल लाइन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी शेप दूसरी तरफ होती, एग्जाम्पल के तौर पे रोटेट में कर देता हूं इसे, इस तरफ अगर ये होती तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अगेन इसे यहां से पिक करूंगा, फिर मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा। इस तरह से आप समझ गए, अगर इसकी शेप जिस तरफ भी हो आप उस तरफ इसको लेकर जा सकते हैं। अब इधर आप ब्रेक का यूज करेंगे, ब्रेक के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट है बी आर, तो मैं कीबोर्ड से बी आर एंटर कर देता हूं, आप एक पॉइंट दे दें इसे और दूसरा पॉइंट कहीं भी दे दें। अब मूव करें इसको, अगेन इसको इधर ले आए, अगेन आप जाएंगे ड्रॉ के अंदर, सॉलिड के अंदर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड की शॉर्टकट है ई एक्स टी, सेलेक्ट कर दें, एंटर कर दें। यहां पर क्या है, पाथ, क्योंकि मैंने हाइट तो नहीं देनी, इसको पाथ देना है, पी एंटर करें और पाथ क्या है, ये लाइन है, जस्ट इस लाइन के ऊपर आप क्लिक कर डालें। मैंने इस लाइन के ऊपर क्लिक किया और थोड़ी ही मिनट में देखें आपके पास आपका ये 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टेप्स की समझ नहीं आई तो प्लीज आप इस पॉइंट्स को दोबारा से देखें। ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट्स बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। अब आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल एस, अब आप इसको इस कट्स को आपस में मिलाएंगे। तो इस लेसन के अंदर जो नई ऑप्शन है वो है यही, कट्स को कैसे आपस में मिलाया जाता है। तो इसको मिलाने के लिए आप क्या कर दोगे, आप ड्रॉ के अंदर जाएंगे, आप सॉलिड एडिटिंग के अंदर जाएंगे और आपके पास ऑप्शन है एक्सट्रूड, लेकिन एक्सट्रूड यहां पर काम नहीं करता, आपको क्या करना होगा, मॉडिफाइड सॉलिड एडिटिंग और आपके पास है एक्सट्रूड फेस। ठीक है, आपको फेस उठाना है। अब इसका मेथड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल करता हूं। देखिए आपके पास ये एक बॉक्स है, जब आप इसको ईएक्सटी कर देते हैं तो इसकी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स हैं। आप किसी भी एक साइड को आगे बढ़ाना चाहते हो, यस, उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉलिड एडिटिंग के अंदर जाके एक्सट्रूड फेस के ऑप्शन उठाएंगे। अब उस साइड को सिलेक्ट करें, कौन सी साइड है, एग्जाम्पल के तौर पे ये साइड है, तो उसके बिल्कुल करीब हो जाए, ये इधर हो गया, आप पीछे आ जाए, तो देखें आपके पास ये मार्क, ये डॉटेड लाइनें हैं, ये बॉर्डर एरिया नजर आ रहा है, इस मीन्स ये साइड सिलेक्ट हो चुकी है, एंटर कर दें। कितना आपको आगे बढ़ाना है, मैंने इसको 12 बढ़ाना है, ये देखिए 12 आगे आ चुका है। इस तरह ऊपर आप इसको हाइट देना चाह रहे हो तो अगेन आप एक्सट्रूड फेस के अंदर जाएंगे और ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट करें, देखिए बॉर्डर आ चुका है और जो आप वैल्यू देंगे इसे उस वैल्यू पे इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन मैं अभी करने जा रहा हूँ यहाँ पे। आपको स्टेप की भी समझ नहीं आई आप इसको बैक, अपने बैक करके वीडियोज को देख सकते हैं। अगेन एक्सट्रूड फेस के ऊपर आ जाए, क्लिक कर दिया और जस्ट इसके बिल्कुल जितना आप करीब जा सकते हैं जाए, क्योंकि मुझे ये एरिया उठाना है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मुझको ये सामने वाला एरिया उठाना है। अब यहाँ पे क्लिक्स में से गलती हो सकता है, तो अगर आप इसको ऐसे करीब चले जाएंगे, क्लिक कर दें और वापस आ जाएं, देखें आपके पास ये डॉटर्स बन चुके हैं। अब एंटर कर दें, 1 और ये 2 एंटर कर दें, जैसे मैंने इसको एंटर किया आई थिंक मैं मिस्टेक कर चुका था कहीं से, वापस इस टू फेस के अंदर आ जाएं और मैंने इसको सेलेक्ट कर डाला, एंटर कर दें और अब इसको एक पॉइंट दे दें और इसके लिए आप दूसरा पॉइंट आगे क्लिक कर दें और एंटर कर दें आप इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अननोन प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास, अननोन एरर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ ऐसे घुमा के, यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ना हो तो फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक पाथ बनानी पड़ेगी इसके लिए। एक्सट्रूड फेस के ऊपर मैं गया, मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसको एक पॉइंट इसका ये रहा और दूसरा पॉइंट इसका ये रहा, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो आई थिंक यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बस का ऐसा हो जाए तो फिर अपने पास आप एक लाइन लगा लें यहाँ पे और उसको मैं एंड दूसरा कोई दे देता हूँ, मेरे पास ये रहा पॉइंट,
एक पॉइंट इधर मैंने क्लिक कर दिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप अगेन ड्रॉ के अंदर चले जाएं, सॉलिड एडिटिंग, सॉरी मॉडिफाइड सॉलिड एडिटिंग, एक्सट्रूड फेस, आप यहाँ पे क्लिक कर दे कर सकते हैं। ऐसे ये क्लिक किया, मैंने इसको एंटर किया, पाथ लगाए ऐसे, और ये से पाथ दे गए। क्या मसला आ चुका है, वापस में से मूव करके देख लेता हूँ। असल में बाज का छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनको कवर करना मस्ट होता है। अब मैं बेसिकली इस प्रॉब्लम को यहाँ कुछ कैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको मिडिल पे ले आया हूँ। एक्सट्रूड फेस, मैंने इसको क्लिक किया, एंटर कर देते हैं पाथ, और मैं इसको ये पाथ दे देता हूँ। फिर ड्रॉ नहीं हो पाई, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम बन चुकी है, अब मैं उसके बारे में आपको परफेक्ट नहीं बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन मैं आपको इसके हल ज़रूर बता सकता हूँ। एक्सट्रूड फेस के अंदर जाएं, यहाँ पर कॉपी की ऑप्शन है, आप कॉपी फेसेस को उठा लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें, एंटर, एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दें, देखें आपके पास सेम टू सेम उस तरह की एक और कॉपी आ चुकी है। ये आप ड्रॉ के अंदर जाएं, लेकिन जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताई है, आप उसको डिस्टेंस आपने वही ट्राई करके देखना है, वो लाजमी होगा। एंटर, आप इसको ईएक्सटी कर दें, एंटर किया और पी लगा दें पाथ के लिए, तो देखें आपके पास ये इस तरह से भी काम किया जा सकता है। फिर देखिएगा मैंने क्या किया था, अगर आपसे उस तरह से परफेक्ट काम नहीं हो रहा, जैसे अभी मुझे मेरे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या प्रॉब्लम है, तो आप ईएक्सटी एक्सट्रूड फेस को यूज़ करते हुए क्लिक करें, एंटर और पी से पाथ लगा दें, लाइन को आप पाथ दे दें तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसको जस्ट आप पीछे की तरफ मूव करके ले जाएं इसके ओरिजिनल पॉइंट्स पे, और यू एन आई यूनियन लगा देंगे आप इसे, यू एन आई यूनियन, और आपने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको मैंने जो ऑप्शन बताई है, आप उसी ऑप्शन को ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। और ये रही यहाँ पे प्रॉब्लम मेरी, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट जो है वो गलत था, इसीलिए क्योंकि ये टेढ़ा था, इसीलिए मेरे पास वो परफेक्ट अपने आप को मैं परफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आप उन्हीं ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने की हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें से, अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको आप मूव कर दें, कोई भी कॉर्नर उठा लें इसका, मैंने इसको ये कॉर्नर पिक किया, और आगे जाके इसी कॉर्नर पे उस छत पे क्लिक कर दें, मैंने ये कॉर्नर लिया छत का, और ये पॉइंट सेंटर से मैंने दे दिया। अब देखें मेरे पास परफेक्ट उसके ऊपर घूम चुका है ये छत के ऊपर, ठीक है। आगे नजर आ जाए, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लेयर बना लेता हूँ, एल ए लेयर, और रूफ साइड के नाम से रूफ साइड, और मैं इसको एक कलर देना पसंद करूंगा, मैंने इसको एक कलर दे दिया, ओके कर देता हूँ, मैं इसे ओके कर देता हूँ। इसको सिलेक्शन दे के हर चीज को लेयर के अंदर डालना जरूरी है, कंट्रोलाइज कर दें, तो देखिए मैंने इसको लेयर के अंदर ये बना डाला। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा लेसन, इसके अंदर मैंने आपको जो बेसिक मकसद था आपको बताने का वो ये था, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है रूफ के अंदर, यहाँ पर आप देखें, जिसको फिर हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया। लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, शायद मेरे पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास वो दूर हो गई होगी, नहीं तो फिर मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखें मेरे पास ये एरिया है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, बी आर, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, ठीक है। और इधर आ जाता हूँ, वापस में इसको बना लेता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बाजू का सम टाइम आ जाती हैं, ए लगा दें, तो आपको उसका हल ढूंढना होता है, और इसको क्लोज कर दें। अब आप इसको मूव कर लें, अभी देखिएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि ये परफेक्ट होकर आ जाएगा आपके सामने, और इसको आप मॉडिफाइड सॉलिड एडिटिंग रोटेट, सॉरी 3D ऑपरेशन रोटेट आप कर दें इसे, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये, और मैं इसको 90 की वैल्यू देने के बाद इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ सीधा आगे की जानब, मैंने इसको इधर मूव कर दिया, ext पाथ लगा दें, ये आपने पाथ लगा दी। अब मॉडिफाइड सॉलिडिटिंग और एक्सट्रूड फेस पे चले जाएं, आपके पास ये पॉइंट है, एंटर कर दें, एक क्लिक इधर करेंगे आप, और दूसरा क्लिक आप इसको यहाँ पे करेंगे, एंटर कर देंगे, देखें मिल चुका है। अब पहले क्यों नहीं मिल रहा था, क्या कुछ था, शायद लाइन वो टेढ़ी होगी, इस वजह से वो अपने आप को मिला नहीं पा रहा था। अब उसकी मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करें, आई थिंक ये लाइन इधर है, अब आप ext क्लिक इंटर पी फॉर पाथ हो गया, ठीक है। अब डेफिनेटली
जब आप इस ऑप्शन को करेंगे सरफेस, आपने क्लिक इधर किया, एंटर कर दें, आप देखें इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा, देखा आपने आपके पास ये उससे का वो परफेक्ट नहीं निकल रहा क्योंकि ये तो उसको सीधा लेकर आएगा। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट हो रही थी जो हमें ठीक तरह से मालूम नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि अब मैं अगर वापस उस वीडियोस को यहां से वापस लेके जाता फिर मुझे वीडियो दोबारा क्रिएट करनी पड़ती, तो मैंने इसको सिंपल एक ऑप्शन लगाकर यूज किया। लेकिन आप यही मेथड यूज करें इंशाल्लाह आपके पास ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते रहें, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन कराए जाते हैं। एनमिक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वजीआईटीसीएस आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज लेना चाह रहे हैं ऑटोकैड के मुताबिक, या आप हमारी मैप कलेक्शन लेना चाह रहे हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी मेल पे मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का एड्रेस है xpacademy और हमारी हेल्पलाइन है 03439017779 पे, तो आप किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।